रंग रसिया रणदीप हुडा ने इनॉगरेट की एक पेंटिंग एग्जीबिशन। पेंटिंग्स को देखकर रणदीप हुए काफी इम्प्रेस्ड और रणदीप ने बड़ी ही बारीकी से की इनकी परख। शायद रणदीप को इन पेंटिंग्स ने मशहूर इंडियन आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की याद दिला दी, जिनका किरदार वो उनकी अपकमिंग फिल्म रंग रसिया में निभा रहे हैं। मैं एक छोटा सा स्वार्थी लालची कलाकार हूँ जो दुनिया का दिल जीतना चाहता है। रंग रसिया। मैंने राजा रवि वर्मा का किरदार निभाते वक्त कुछ दिन पेंटिंग की थी, पर मैं बहुत इम्पेशेंट आदमी हूँ। मैं एक पेंटिंग को, एक कैनवस को लेके उसको पूरा भरने का मेरा पेशेंस नहीं है। वैसे रणदीप की इम्पेशेंस इस इवेंट में भी नजर आई, जब एक रिपोर्टर ने उनसे उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। मैं आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बात करने आया हूँ और कुछ। लेकिन रणदीप के साथ इस एग्जीबिशन को देखने आई एक्ट्रेस टिया बाजपेयी ने रणदीप के ऑपोजिट अपनी फिल्मों के बारे में खुलकर बातें की। अब बस 26 सितंबर को देसी कट्टे रिलीज हो रही है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड भी आपने मुझे बिल्कुल अलग तरह से देखा है। देसी कट्टे में एक बिल्कुल अलग किरदार है, तो सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। वैसे हमें तो लगता था कि एक पेंटिंग इवेंट में आकर रणदीप उनकी फिल्म रंग रसिया का प्रमोशन करेंगे, मगर रणदीप ने ना तो अपनी इस फिल्म के बारे में बात की और ना ही उन्होंने उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना जरूरी समझा। We wonder why. मैं आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बात करने आया हूँ और कुछ। फॉर स्मिता आयल, जिंग, मुंबई।